आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करेगी। ये कहानी बताती है जब आपके साथ बहुत बुरा होता है तब आपको क्या करना चाहिए। एक बार एक लड़का था, उसने अपनी पढ़ाई करने के बाद सोचा कि वो जॉब नहीं करेगा, वो अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करेगा और उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू भी कर दिया। कुछ महीनों तो उसका बिजनेस बहुत अच्छा चला लेकिन धीरे धीरे किसी कारणवश उसका बिजनेस ठप हो गया। ऐसा होने के बाद वो लड़का धीरे धीरे तनाव में रहने लगा क्योंकि जो सपना उसने देखा था वो सपना उसे प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण वो लड़का बहुत ही ज्यादा तनाव में रहने लगा। इस बारे में उस लड़के के घर वालों ने उसे काफी समझाया, उसके दोस्तों ने भी काफी समझाया लेकिन वो समझने को कुछ तैयार ही नहीं था। उस लड़के का एक टीचर था जिन्होंने उसे कॉलेज में पढ़ाया था। एक दिन टीचर ने उस लड़के को अपने घर पे बुलाया और पूछा, बेटा क्या कारण है? मुझे तुम्हारे घर वालों और दोस्तों से पता चला है कि तुम बहुत परेशान रहते हो। तो उस लड़के ने टीचर से बोला, मैंने 5-6 महीने पहले अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था। मैंने उस बिजनेस में काफी मेहनत की लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, काफी प्रयास करने के बाद भी रिजल्ट शून्य रहा। फिर टीचर ने कहा, बेटा इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, जिंदगी में काफी लोग फेल होते हैं, कोई भी पहली बार में सफल नहीं होता, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि पहले प्रयास में ही सफल हो गया हो। लड़के ने कहा, सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, इतने सारे प्रयास करने के बाद भी कुछ रिजल्ट ना मिले तो मुझे नहीं लगता कि जीवन का कोई मतलब है। इतना सुनकर टीचर ने लड़के से कहा कि तुम मेरे साथ चलो और इतना कहकर टीचर उसे गार्डन की तरफ ले गए और गार्डन की शुरुआत में टीचर ने उसे एक मरा हुआ टमाटर का पौधा दिखाया। टीचर ने कहा, बेटा इसे देखो। तो लड़के ने कहा, सर इसे क्या देखना है, ये तो खुद मेरी तरह मरा पड़ा है। टीचर ने समझाया कि बेटा ये फालतू की बातें नहीं करता, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने खुद इस टमाटर के पौधे को वो सब चीजें दी थी जिसकी इसे जरूरत थी, यानी खाद हो गया, बीज हो गया, कीटनाशक दवा पानी सब कुछ मैंने इसको दिया जिसकी इसे जरूरत थी लेकिन फिर भी ये मर गया। अब इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मेरा कंट्रोल सिर्फ अपनी मेहनत पर था जो मैंने पूरी शिद्दत से की थी। तो लड़का बोला, आपका कहने का मतलब है कि मेहनत हम खुद कर सकते हैं लेकिन रिजल्ट पर हमारा कोई भरोसा नहीं होता, और जब रिजल्ट पर हमारा भरोसा नहीं होता वो सब भगवान के हाथ में होता है तो हम प्रयास ही क्यों करते हैं। इतना सब सुनकर टीचर को वाकई में लगा कि लड़का काफी डिप्रेशन में चला गया है, इसलिए ये उल्टी उल्टी बातें कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर उस लड़के को समझाया कि बेटा मेहनत हमारे हाथ में है लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, तुम ये सब समझो, लेकिन लड़का समझने को तैयार ही नहीं था। जब लड़का जाने लगा तो टीचर ने उसे रोका और बोला, बेटा जाने से पहले एक बार तुम मेरे साथ चलो। टीचर उस लड़के को अपने स्टोर रूम की तरफ ले गए और रूम का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो रूम के अंदर टमाटरों का ढेर लगा था। ये सब देखकर लड़का चौंक गया और टीचर से बोला, सर टमाटर का पौधा तो मरा हुआ था। तो टीचर ने बोला, बेटा मैंने तुम्हें सिर्फ गार्डन का पहला पौधा दिखाया था जो मर चुका था, उसके बाद तुम्हें वापस लेकर आ गया, मैंने तुम्हें पूरा गार्डन नहीं दिखाया, वहाँ पर सिर्फ एक पौधा था जो मर चुका था, बाकी सारे गार्डन में थे जिसकी वजह से यहाँ लाल टमाटरों का ढेर लगा है। टीचर ने कहा, मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि अगर आप पहली बार फेल होते हो और अगर आप हार भी मान लेते हो तो तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, तुम्हें अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा, तुम्हें पॉजिटिव सोचना होगा। तुम अगर एक बार फेल हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बार बार फेल हो गए। इस संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो, एक्टर हो, कोई बिजनेसमैन हो, वो सब अपने जीवन में कई बार फेल हुए, असफल हुए। देखो दोस्त, अगर आपको लगता है कि आप किसी काम को लेकर तनाव में हो या फिर किसी काम में आप फेल हो रहे हो तो लगातार कोशिश करते रहे। जब तक आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कब वो कोशिशें आपको एक बड़ा रिजल्ट दे जाती है। बस आप लगातार संघर्ष करते रहिए, इसी का नाम जिंदगी है। दोस्त, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर भागो मत तुम। कुछ किए बिना जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एडिसन के नाम बल्ब की खोज सबसे महान उपलब्धि है। बल्ब बनाने में वो 10,000 बार फेल हुए थे। एक बार किसी ने पूछा कि बल्ब बनाने में आपके 10,000 से भी अधिक प्रयोग असफल रहे, इसके लिए आपको अफसोस नहीं होता? तो उन्होंने कहा कि मेरा हर प्रयोग बल्ब बनाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा था, मैं कभी असफल नहीं हुआ बल्कि मैंने 10,000 तरीकों से बल्ब बनाने की कोशिश की और प्रत्येक बार मैं आगे बढ़ता गया। उन्होंने मेहनत जारी रखी और हार नहीं मानी, उनकी मेहनत रंग लाई और पूरी दुनिया को बल्ब की रोशनी से रोशन कर दिया। मेहनत कभी निष्फल नहीं जाती, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सफलता के रास्ते वैसे ही खुलते जाते हैं। उनका मानना था कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। देखो दोस्त, अगर हम अपनी लाइफ में कोई चीज अचीव करने की सोच लेते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि जब तक वो हमें मिल ना जाए तब तक हमें मेहनत करनी चाहिए क्योंकि वो हमारी लाइफ का गोल है, और अगर हम अपनी लाइफ में उसे अचीव नहीं कर पाए
तो हम अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। काफी लोग गोल तो डिसाइड कर लेते हैं बट वहाँ तक मेहनत नहीं करते जहाँ तक उन्हें करनी चाहिए। वो कोशिश तो करेंगे गोल को अचीव करने की बट हाँ, वो गोल अचीव हो जाए इतनी मेहनत नहीं करते, बल्कि वो गोल अचीव हो जाए इतनी मेहनत से पहले ही अपने कदमों को पीछे खींच लेते हैं और इसके बाद अपनी किस्मत को दोष देंगे या फिर अपने आप पर ही सवाल उठाने लगेंगे। बल्कि जितना टाइम लोग अपनी किस्मत को दोष देने में लगाते हैं, उतना टाइम अगर अपने गोल पे लगाए तो शायद गोल अचीव भी हो जाए। दोस्त, अपने गोल पर, अपने ड्रीम पर काम करते रहिए और तब तक हार ना माने जब तक आप उसे प्राप्त ना